अपने करीबी दोस्त जूही चावला के साथ मैच का एंजॉय करते दिखे शाहरुख खान। फैंस ने भी जमकर पसंद किया इन दोनों की जोड़ी को। जी हां दोस्तों, पठान के ह्यूज सक्सेस के बाद एसआरके की किस्मत जो है चमकती हुई नजर आ रही है। बीते 4 साल शाहरुख खान के लिए कुछ खास अच्छा नहीं गया था, जहां उनकी कई फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती दिखाई दे रही थी। उसके बाद इनके केकेआर भी पिछले आईपीएल के अंदर काफी निचले पायदान पर रही थी। तो दूसरी तरफ आर्यन खान को भी लेके काफी ज्यादा बदनामी झेलने को पड़ी थी शाहरुख खान को। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिसकी बुरी किस्मत होती है उसके बाद उसकी अच्छी किस्मत भी स्टार्ट होती है। सेम यही चीज हमको शाहरुख खान के साथ देखने को मिल रहा है। पिछले 4 सालों के बाद शाहरुख खान ने पठान के साथ एंट्री करी है। अब पठान ने 1050 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है। बात करें फिल्म को तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और फिल्म ने सभी के दिलों पर खूब राज भी किया है। और अब OTT प्लेटफॉर्म पे भी खूब आग बरसा रही है ये फिल्म। Amazon पे इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। वहाँ पे मोस्ट वॉच फिल्मों में से ये बन चुकी है एक फिल्म। तो बात करें KKR के मैच के, बीते दिनों गुरुवार को KKR वर्सेज RCB का मैच चल रहा था, जहां KKR को सपोर्ट करने के लिए खुद शाहरुख खान और जूही चावला पहुंचे थे। साथ ही सुहाना खान भी अपने पापा संग मैच का एंजॉय लेती हुई दिखाई देते हैं। आपको बता दो कि फैंस ने भी जमकर इन लोगों को सपोर्ट किया और जहां KKR ने 207 रन का टारगेट दिया था, वहीं RCB को 123 रन पे ऑल आउट कर दिया KKR ने। फाइनली KKR मैच तो जीत गए। उसके बाद जो है खबरें ज्यादा तेजी से निकल रही है शाहरुख खान को लेकर के। वैसे दोस्तों, किंग खान भी इन दिनों काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर। पठान के बाद ये जवान के शूटिंग और प्रमोशन में लगे हुए हैं, जो कि 2 जून को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। बात करें फिल्म के ट्रेलर का तो अभी बाकी है उसका भी आना, पर फैंस जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इनकी जवान फिल्म का। बाकी आपको कितना इंतजार है हमको कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।